Jammu special train reached Jammu railway station today at about 5 a.m. 40 minutes earlier than the scheduled timing, with over 1,000 passengers on board. Special sample collection kiosks were established at the railway station. The passengers were sent to their respective districts where they will be sent to quarantine. वैसा कोई मतलब कोताही नहीं है इसमें, सब अच्छा है। नहीं, रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। जैसे उन्होंने बताया था फूड वूड घर से ही लाना, मतलब पानी वानी जो भी है, तो हमने घर से ही लाया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। 02425 जम्मू नई दिल्ली राजधानी, जो ये पैसेंजर स्पेशल ट्रेन है, ये तकरीबन 40 मिनट पहले 5 बज के 5 मिनट पे जम्मू स्टेशन पर आ गई थी। इसमें तकरीबन 1200 पैसेंजर्स हैं। सभी पैसेंजर्स को एक एक करके उतारा जा रहा है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग थ्रू आउट द प्लेटफॉर्म मेंटेन रहे। सैम्पलिंग शुरू हो चुकी है, जल्द ही हम देखेंगे कि वो लोग अपने अपने कंटेनमेंट बेस में जा रहे होंगे। जो ट्रेन अभी जम्मू पहुंची है, उसमें से जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको सभी लोगों को हम यहाँ पे पहले उनका रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद उनके सैंपल्स लेने के बाद उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बसेस का और बाकी चीज़ों का अरेंजमेंट करके, यहाँ पे रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट रखा है, बसेस का अरेंजमेंट रखा है, और उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है। जैसे वो अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुँचते हैं उसके बाद, तब तक हमारा यहाँ पर जो प्रोसेस चलेगा और उसमें टेस्ट के रिजल्ट आ जाएंगे। जो टेस्ट रिजल्ट निगेटिव आएंगे उसी हिसाब से उनको फिर होम क्वारंटाइन के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। जम्मू सिटी बाउंड पैसेंजर्स वर केप्ट एट ए क्वारंटाइन सेंटर एस्टेब्लिश्ड एट इंडोर स्टेडियम। द अथॉरिटीज सेड दे विल बी केप्ट हियर फॉर एट लीस्ट 72 आवर्स। आपका नाम? अभिषेक गुप्ता। अभिषेक जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली में जॉब करते थे आप? मैं जॉब करता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे क्वारंटाइन किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस कोविड-19 को लेके? बेसिकली जो अरेंजमेंट्स हैं उसके बारे में बताता हूँ। फ्रॉम डी बोर्डिंग द ट्रेन द सिस्टम वॉज वेरी सिस्टमेटिक, एवरीथिंग वॉज वेरी इन ए सिस्टमेटिक मैनर बेसिकली। बट जब हमें बस से यहाँ पर लाया गया उसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आई, क्योंकि पहले कुछ क्वारंटाइन सेंटर्स इन्होंने ही चूज़ नहीं कर रखे थे। पहले हमें SOS स्कूल लेकर गया कोल गुजरात, बट वहाँ पे ये सिलेक्टिव ही नहीं था कुछ भी, तो वहाँ पे सिर्फ 24 पर पर्सन को भेजा गया था। फिर उसके बाद हमें यहाँ लाया गया, बट फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, खाना अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, हाइजीनिक है। ये हमारे लिए सेफ्टी है, हमारे परिवार के लिए सेफ्टी है, सोसाइटी के लिए सेफ्टी है, और मेरे लिए तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। बट काफ़ी सारे लोग इसके खिलाफ भी हैं, कुछ नहीं होना चाहते, ज़्यादातर लोग नहीं होना चाहते, वो चाहते हैं कि हमें होम क्वारंटाइन किया जाए। बट मैं पर्सनली अपना राय दूँ तो मुझे लगता है कि क्वारंटाइन होना चाहिए, आप क्लियर हो जाते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, इसीलिए जहाँ पे बहुत बहुत एक्साइटेड हैं घर जाने के लिए। अराउंड 55 डेज अप्रॉक्सीमेटली वहाँ रहे थे। इस टाइम पे 116 पीपी की है, तो मॉर्निंग में 87 लोग आए हैं क्वारंटीन के लिए और 37 और आ रहे हैं एज पर द इंफॉर्मेशन। सर, सारा प्रोसेस किस तरह से रहेगा ये? सर, अभी इनके टेस्ट हुए हैं वहाँ पे, वहाँ रेलवे स्टेशन से, तो जैसे टेस्ट रिपोर्ट आएंगी तो कितने दिन का पीरियड रहेगा? इतना आइडिया है नहीं, बट ये 72 आवर्स तक तो है। सर, जो उनके रिपोर्ट्स लिए गए हैं 72 आवर तक, इनकी रिपोर्ट्स अब आती है, तो उसके बाद किस तरह के स्टेप जो है वो लिए जाएंगे? वो हम आपको बेटर बाद में बता देंगे, अभी फिलहाल हमने उनको कंटिन्यू किया। तो इनकी फैसिलिटी के लिए किस तरह के प्रोग्राम? आप अंदर आगे देख सकते हैं कि हमने क्या फैसिलिटेट किया हुआ, ठीक है। हमने प्रॉपर बेडिंग दी हुई है, ठीक है, सैनिटेशन यहाँ पर प्रॉपर है, खाना 3 टाइम का इनको प्रोवाइड किया जा रहा है, और जो इनकी बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो हमने फुलफिल की है। सर, ये सारे जम्मू के हैं? ये सब जम्मू के हैं, इनमें से एक दो बंदे जो इधर पोस्टेड हैं वो आए हैं, बाकी 95% यहाँ पे जम्मू के लोग हैं।